देखिए, ये जो ऑनरेबल एलजी साहब हैं, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, हम लोग को क्लियर डायरेक्शन हैं कि जो भी ऑफिसर हैं, सीनियर ऑफिसर्स हैं, उनको डिस्ट्रिक्ट में नहीं, गाँव में भी जाके लोगों के साथ बात करना है। और बात करने का एक पर्पज़ तो ये है कि उसमें मसाइल काफ़ी सारे निकल जाते हैं, सोल्यूशंस उसके हो जाते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा एक बड़ा पर्पज़ फुलफ़िल होता है कि एक दूसरे से बातचीत होती है, जो ग्राउंड में जो चल रहा है, लोगों के जहन में क्या चल रहा है, इन सब के बारे में हमें इल्म होता है और उनको भी हमारे जो सरकार की मुश्किलें हैं उसका ही पता चलता है और एक टू वे कम्युनिकेशन होता है। इससे अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है और एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक होते हैं और जो उसके तहत फिर हमारे जो स्कीम्स होते हैं, हमारा जो एक्शन होता है उसके बाद, वो भी काफ़ी रियलिस्टिक हो जाता है। तो ये पर्पज़ था यहाँ पे आने। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में काफ़ी डिपार्टमेंट से ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट नहीं बहुत सारे डिपार्टमेंट में स्टाफ की डर्थ है, तो अभी उसका रैशनलाइजेशन चल रहा है, तो बहुत जल्दी है सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो। इस बात को लाया गया है और टीआरटीओ साहब को भी रिक्वेस्ट किया गया कि एक फिजिबिलिटी देख के प्रपोजल बनाएंगे। फिर उसमें बहुत सारी जगहों पे आपने गाड़ियां जो प्रोवाइड की है, लेकिन अभी भी फार-फ्लंग एरियाज ऐसे भी है जहां पे अभी तक वो नहीं हुई है। देखिए, सेटलमेंट्स बढ़ रहे हैं हमारे और ये एक ऑनगोइंग प्रॉब्लम है। एक जगह पे हम कवर करेंगे तो और जगह नहीं होंगे, तो उसको धीरे 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 एज एंड वन होगा, ये हम सॉल्व करते जाएंगे। आप लोग समझने की जरूरत है कि यहाँ पे मैं ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी नहीं आया हूँ, यहाँ पे मैं गवर्नमेंट की तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव बन के आया हूँ मीट करने के। बट चलो, आपने सवाल पूछ लिया है तो ट्रांसपोर्टर से मेरा यही रहेगा कि सरकार आपके साथ में बात करते रहेंगे एक दूसरे से और जो भी मसले हैं वो धीरे धीरे हल करेंगे। कि यहाँ पे मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, मेरे लिए कहना मुश्किल होगा, बट इतना मुझे पता है कि जो भी मसले हैं इन पे एक्टिवली डिस्कशन हो रहे हैं और सबके सॉल्यूशंस निकलेंगे। थोड़ा देखिए, दो एक्शंस हो गए हैं, आप पता नहीं आपको पता ही नहीं पता है। एक तो कॉन्ट्रैक्ट कैरेज खुल गया है, अब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज परमिट ले सकता है, कोई भी, कोई पाबंदी नहीं, कुछ नहीं। और इसमें हमने आंकड़े चेक किए थे, काफ़ी सारे ट्रैवल एजेंट्स ने भी इसमें गाड़ियाँ ली हैं। तो एक तो ये हुआ है और दूसरा व्हीकल एग्रीगेटर जो बोलते हैं, व्हीकल एग्रीगेटर्स होते हैं, जैसे आपके यहाँ पे जुगनू है या फिर ओला है, उस तरह की कंपनियाँ जो कि कार या फिर टैक्सी को एग्रीगेट करती हैं, उसका भी हमने लाइसेंस खोल दिया है, उसमें काफ़ी सारे लोगों ने लाइसेंस लिया है। तो इससे भी आप देखेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा बढ़ेगी, जो पहले से भी था उससे भी ज़्यादा अच्छी होंगी। देखिए, एक चीज़ तो आप सबको समझने की ज़रूरत है कि डिमांड्स विल ऑलवेज एक्सीड जो उसको, क्योंकि डिमांड्स एक ऐसा होता है कि एस्पिरेशनल होती हैं, तो हमेशा कभी ख़त्म नहीं होंगी। इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट गवर्नमेंट ऑफ हम सब प्रोएक्टिव हो गए हैं कि हम डिमांड्स को फॉलोअप करें, क्योंकि देखिए डिमांड्स को रेस करना आसान है, लेकिन उसके फॉलोअप में सिस्टम को एक तरीके से चलना होता है और उसके लिए फंड्स की काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जरूरी बात यह है कि हम इससे बच के छुप नहीं रहे हैं, हम आ रहे हैं और डिमांड्स ले रहे हैं और उसके बाद पीछे पीछे कार्रवाई होती है, चेक कर रहे हैं, काफ़ी सारे डिमांड्स फुलफ़िल भी होते हैं, लेकिन अब सारे के सारे एक बार में नहीं हो पाते हैं, वो धीरे धीरे सब्सिक्वेंटली होंगे। लेकिन देखेंगे, जब तक आप ये वाले डिमांड फुलफिल करेंगे तब तक नई डिमांड्स और आ जाएंगी। तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। ये फोरवे का मसला है सर, बारामरटा को बारा अभी हालांकि अप्रूव हुआ है, मगर काम देखिए, अब इस पे अब बस करते हैं, लास्ट क्वेश्चन करके दो तीन।